नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, लल्लनटॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में, ये क्या होता है आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर नाक से खून बह रहा है तो सिर बिल्कुल पीछे ना करें। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप, जैसे क्या वाकई जूस वगैरह शरीर को डिटॉक्स करते हैं। निधि की बेटी 3 साल की हो गई थी, पर वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थी। जैसे वो निधि अपने पापा से ना आंख नहीं मिलाती थी। जब कोई उसका नाम पुकारता था तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। अमूमन बच्चे अपना नाम सुनकर थोड़ी हरकत करते हैं, पर निधि की बेटी ऐसा नहीं करती थी। इसके अलावा रोशनी, आवाज़ और टच से वो बहुत ज़्यादा भागती थी। धीरे धीरे निधि ने नोटिस किया कि उसकी बेटी एक ही चीज़ बहुत देर तक करती रहती थी। जैसे कूदना शुरू करती थी तो कूदती ही रहती थी, हाथ हिलाना या झूलना शुरू करती थी तो फिर रुकती नहीं थी, एकदम से बहुत हाइपर हो जाती थी, तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। निधि के दोस्तों ने उसको डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। निधि को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर किसी तरह वो तैयार हो गई। अपनी बेटी को दिखाया, पता चला वो ऑटिस्टिक है, यानी उसे ऑटिज़म है। अब ये ऑटिज़म क्या होता है और क्यों होता है, ये पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले वो जान लेते हैं। लॉट ऑफ स्टडीज हैं, बट कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जो है वो 9, 2, 4, 14, ये कुछ रेस्पॉन्सिबल होता है। हम बात करें कि जो प्रीनेटल फेज होती है, यदि मदर को फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें ब्लीडिंग हो गई, या बच्चे में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसने वो ले लिया तो भी फैक्टर होता है। इम्यूनोलॉजिकल, अगर मदर जो है उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है तो एक रीजन है। केमिकल में हम बात करें, यदि सेरोटोनिन एक्सेस है या हाइपर जो वैलिनिक एसिड होता है वो ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म क्या होता है ये तो आपको पता चल गया, अब इसके लक्षण क्या है ये जान लीजिए, ताकि जितना जल्दी आप अपने बच्चे को समझ जाएं उतना अच्छा है। साथ ही ऑटिज्म का क्या कोई इलाज है? ऑटिज्म मस्तिष्क से संबंधित, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, और डेवलपमेंटल पीरियड यानी कि विकास की अवधि के दौरान होने वाला एक ऐसा विकार है जिसमें 3 प्रमुख लक्षण आते हैं, जैसे कि सामाजिक व्यवहार ना कर पाना यानी कि सोशलाइजेशन ना कर पाना, संपर्क नहीं कर पाना यानी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाना, और कुछ क्रियाओं को बार बार दोहराना। ये आमूमन 3 साल से पहले इस विकार को हम पहचान सकते हैं, और इसके पहचानने के कई तरीके हैं। जैसे कि एक आमूमन जो आम बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की आंखों में आंखें देखकर खुश होते हैं, ऑटिज्म में कई बार आंखों से आंखें ना मिला पाना एक प्रमुख लक्षण बन जाता है। दूसरा कि दूसरे बच्चों में मेल जोल ना कर पाना, आवाज़ों से या तो डर जाना या फिर आवाज़ों पे अपने नाम पे होने वाली आवाज़ को पहचान ना पाना। इंद्रियों के डिसऑर्डर जैसे कि टच से डर जाना या फिर बैलेंस की एक्टिविटीज से घबरा जाना, इस तरह के भी हम लोगों को लक्षण दिखाई दे जाते हैं। अगर इलाज की बात करें तो क्योंकि हम इसे बीमारी अभी तक नहीं माने हैं तो इस वजह से इसका इलाज पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है, और ये एक आजीवन रहने वाली अवस्था है। लेकिन जो बच्चे कम प्रभावित हैं उनमें कई तरह की थेरेपी से हमें बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। जैसे अगर व्यवहार की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो बिहेवियर थेरेपी है, अगर उन्हें पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन है, उनको इंद्रियों की प्रॉब्लम से बचाने के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, संपर्क यानी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम से डील करने के लिए स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी है, और इन सब के मिले जुले असर से बच्चे जो कम प्रभावित हैं उनका जीवन काफ़ी हद तक हम लोग प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छा और सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि इनका जल्दी से जल्दी इनको पहचाना जा सके कम से कम उम्र में, ताकि इलाज यानी कि थेरेपीज जल्दी से जल्दी शुरू की जा सके। माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के बर्ताव को इग्नोर ना करें। कई बार आप मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आपके बच्चे को थोड़ी मदद की ज़रूरत है, ऐसा ना करके आप उसकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जो आपके बच्चे के साथ ज्यादती है। उसे दूसरे बच्चों की तरह बनने और बिहेव करने के लिए फोर्स मत करिए,
और उस चक्कर में अपने बच्चे की ज़रूरतों को इग्नोर मत करिए। इसलिए अगर आपको अपने बच्चों में ऑटिज़म के कोई भी लक्षण दिखें तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जब भी हमारी नाक से खून बहता है हम तुरंत अपना सिर पीछे लुंडका देते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है अगर नोज ब्लीड हो रही है तो उसे रोकने के लिए सिर जो है पीछे करना चाहिए। पर यह सही नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा करने से चोकिंग का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही आप अपना खुद का जो खून है वो अंदर निगल सकते हैं, जो काफ़ी रिस्की है। इसके बदले क्या करना है, जब नाक से खून बहे तो एक साफ कपड़े पर नाक छिनक दीजिए। हाँ, इसे शुरुआत में आपका खून जो थोड़ा है वो बहेगा, पर आपकी जो नाक की नली है ना वो ब्लॉक नहीं होगी, वो साफ हो जाएगी, खून अंदर नहीं जमेगा, ना ही आपके गले की तरफ जाएगा, जो कि रिस्की है। इसके अलावा आप एक कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, नाक को दोनों तरफ से हल्के से पकड़िए, हल्का सा प्रेशर लगाइए 5 मिनट तक। पर अगर खून 20 मिनट तक नहीं रुकता है तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर किसी भी हालत में खून को रोकने के लिए सिर पीछा मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। डीटॉक्स। हेल्थ के प्रति जागरूक लोगों का इस शब्द से बहुत प्यार है। इसका मतलब है शरीर को अंदर से साफ करना। टॉक्सिन्स एक तरह का जहर होते हैं जो आपके शरीर के सेल्स बनाते हैं। अब हेल्दी रहने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए इनका आपके शरीर से निकलना ज़रूरी है। इसे डिटॉक्स करना कहते हैं। अब बहुत लोग इसके चक्कर में अलग अलग तरह के जूस, चाय और ना जाने क्या क्या इंटरनेट से पढ़कर खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। इस चाह में ही उनका जो शरीर है वो डिटॉक्स हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। पर आपको असल में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर हर कुछ दिन में खुद को डिटॉक्स करता है, जो कुदरती है। इसलिए अजीबोगरीब डाइट वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, हेल्दी डाइट लीजिए, जैसे कि हरी सब्जियां वगैरह खाइए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं रजत। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चलें और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला लें, कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच का नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का। का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।